वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। क्या बीकॉम बीबीए सीएमए के स्टूडेंट्स हैं या आप ब्रांच अकाउंट्स रिलेटेड नॉलेज को सीखना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। आज किस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर जो आपका 4 है उसके बारे में बताने वाला हूँ। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग डॉक्टर एस एम शुक्ला का जो बुक है साहित्य भवन पब्लिकेशन का, उससे मैं क्या कर रहा हूँ क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। राइट, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑलरेडी क्या किया मैंने वीडियो बना दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियोस आपका सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल पे क्या है अवेलेबल है, आप जाके क्या कर सकते हैं देख सकते हैं। राइट, आज मैं बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 4। देखिए मैंने क्या किया, क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसके बारे में शॉर्ट इन्फॉर्मेशन क्या किया बोर्ड पे लिख दिया है। सबसे पहले देखिए हम लोग क्वेश्चन को समझेंगे। सबसे पहले बोलता क्या है, इलाहाबाद ग्रॉसरी कंपनी कौन है आपका हेड ऑफिस, और उसका जो ब्रांच है वो ब्रांच कहाँ है आपका, उसका ऑटो में ब्रांच कहाँ है, उसका ऑटो में ब्रांच है। और ब्रांच हो गया आपका कहाँ, उसका ऑटो में। कहने का मतलब है कि इलाहाबाद ग्रॉसरी कंपनी क्या है आपका हेड ऑफिस और उसका ब्रांच कहाँ है आपका ऑटो में। राइट, उसका बोलता क्या है 31 दिसंबर 2003, यानी जो आपका क्लोजिंग डेट है वो 31 दिसंबर 2003 का आपका इन्फॉर्मेशन है। आपको 31 दिसंबर 2003 को आपको ब्रांच अकाउंट बनाना पड़ेगा। राइट, और कुछ क्या है आपका इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। सबसे पहले बोलता क्या है, स्टॉक 1 जुलाई 2003 को कितना है आपका 720 रुपया का, 720 रुपीज। राइट, फिर डेटर्स आपका 1 जुलाई को कितना है 2003 को 1227, यानी 1227 रुपया। राइट, ये देखिए 1 जुलाई है और यहाँ पे क्लोजिंग कर आपका 31 दिसंबर, यानी कि आपका जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है ये कितने मंथ का है आपका 6 मंथ का, कितने मंथ का है आपका 6 मंथ का है। ठीक है, आपका जुलाई उसके बाद हो गया अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर, कितने आपका मंथ का हम लोग बनाएंगे 6 मंथ का हम लोग क्या बनाएंगे ब्रांच अकाउंट्स। राइट, उसके बाद बोलता क्या है, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस, जो ब्रांच है वो हेड ऑफिस से आपका गुड्स रिसीव किया कितने का 2178 रुपया, 2178। राइट, उसके बाद बोलता क्या है, कुछ क्या हुआ है आपका ब्रांच खर्च किया है उसके लिए हेड ऑफिस ब्रांच को क्या भेजा है कैश। तो सबसे पहला खर्च क्या है, रेंट एंड टैक्सेस ETC कितना है आपका 375, वेजेज एंड सैलरी एक्सपेंसेस कितना है 396, यानी 396। उसके बाद क्या है, ब्रांच ने क्या किया है कैश सेल्स किया है जी, ब्रांच ने क्या किया है कैश सेल्स किया है कितने का 1214 रुपया, कहने का मतलब है 1240 रुपीज। राइट, उसके बाद क्या हुआ, कैश रिसीव्ड ऑन लेजर, इसको समझिएगा, ब्रांच ने क्या किया है उधार सामान बेचा है, ब्रांच ने क्या किया है आपका उधार सामान बेचा है, क्रेडिट सेल किया है। तो ब्रांच ने उधार सामान बेचा तो जो ब्रांच डेटर से उससे क्या आया आपका पैसा, उसी को बोलेंगे क्या कैश रिसीव्ड ऑन लेजर, कितना हो गया आपका 2384 रुपीज, 2384 रुपया। ठीक है, और उसके बाद क्या है आपका स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, स्टॉक 31 दिसंबर को कितना है 1121 रुपया, यानी 1121 रुपीज। उसके बाद क्या है, 6 मंथ क्रेडिट सेल कितना दिया हुआ है, क्योंकि 6 मंथ का बना रहे ना, तो 6 मंथ क्रेडिट सेल कितना है आपका 2387। और उसके बाद रिटर्न इन वाट कितना है आपका 20 रुपीज, रिटर्न इन वाट कितना है आपका 20 रुपीज, जो आपका ब्रांच ने क्या किया है उधार बेचा होगा ब्रांच डेटर्स को, तो ब्रांच डेटर्स क्या किया गुड्स को क्या किया रिटर्न कर दिया, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे रिटर्न इनवार्ड। ध्यान समझिएगा, ब्रांच एच को नहीं भेज रहा, देखिए इसको मैं एक पिक्चर के थ्रू आपको समझाऊंगा। यहाँ पे रिटर्न इनवार्ड में बच्चा गलती कर देता है, वो समझता है कि ब्रांच ने एच को भेजा है, नहीं ब्रांच डेटर्स ने ब्रांच को भेजा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मान लेते हैं मेरा क्या है हेड ऑफिस, ये कौन है मेरा हेड ऑफिस, हेड ऑफिस किसको आपको सामान बेचा आपका, किसको सामान भेजा आपका ब्रांच को। अब ब्रांच ने क्या किया है सेल किया है ना, ब्रांच ने क्या किया है सेल किया है, तो यहाँ पे मान लेते हैं ब्रांच ने क्या किया आपका सेल किया, तो ये क्या कहलाएगा आपका ब्रांच डेटर्स, ये कहला क्या कहलाएगा आपका ब्रांच डेटर्स। राइट, तो ये ब्रांच डेटर्स को उधार सामान बेचा ना, तो ब्रांच डेटर्स ने क्या किया है ब्रांच को रिटर्न किया है, उसी को बोलेंगे रिटर्न इनवॉइस या सेल्स रिटर्न। ये मत समझ जाइएगा कि ब्रांच ने एचओ को भेजा है, ब्रांच ने एचओ को नहीं भेजा है,
ब्रांच डेटर्स ने ब्रांच ऑफिस को क्या किया है, रिटर्न किया है, राइट। तो ये क्या था आपका, पूरा इन्फॉर्मेशन था। अब आप ध्यान से देखिए, ओपनिंग स्टॉक और डेटर्स दिया हुआ है, राइट। क्लोजिंग सिर्फ क्या दिया हुआ है आपका, स्टॉक। क्लोजिंग क्या दिया हुआ है आपका, स्टॉक। लेकिन क्लोजिंग डेटर्स का इस क्वेश्चन में या इस इन्फॉर्मेशन में जिक्र नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ब्रांच डेटर्स अकाउंट बना के क्या फाइंड आउट करेंगे, क्लोजिंग डेटर्स। क्या फाइंड आउट करेंगे, क्लोजिंग डेटर्स। बात समझे। तो चलिए हम लोग ब्रांच डेटर्स अकाउंट का मैंने फॉर्मेट लिख दिया है, चार कॉलम्स होता है, पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट। और मैंने ऑलरेडी ब्रांच डेटर्स अकाउंट का फॉर्मेट कैसा होता है उसका भी वीडियो बना के मैंने आपका क्या किया है, अपलोड कर दिया है सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल्स के अंतर्गत। अगर आपने नहीं देखा तो जाके क्या करेंगे, देख लेंगे, राइट। तो देखिए, सबसे पहले किसी भी अकाउंट के लेफ्ट साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, डेबिट, तो डेबिट लिख दिए, और राइट साइड को क्या बोलते हैं, क्रेडिट, राइट। अब अकॉर्डिंग टू आपका इन्फॉर्मेशन, जो जो आपका ब्रांच डेटर्स अकाउंट रिलेटेड ट्रांजेक्शन है उसको क्या करेंगे हम, इसमें ब्रांच डेटर्स अकाउंट में क्या करेंगे, फिट करेंगे। सबसे पहले क्या देखिए, डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस है, तो डेबिट साइड में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टू बैलेंस क्या लिखेंगे, बीडी, राइट। टू बैलेंस क्या लिखेंगे, बीडी। तो टू बैलेंस बीडी कितना है, 1227 रुपया। आप लिख देंगे कितना, 1227 रुपया, यानी 1227 रुपीज। अब हम देखेंगे वो कौन कौन सा ट्रांजेक्शन है जिससे आपका ब्रांच डेटर्स अकाउंट इफेक्टेड हुआ, मतलब डेबिट हुआ या क्रेडिट। तो आपका ये स्टॉक तो हो गया डेटर्स, गुड्स रिसीव नहीं होगा, रेंट वेज नहीं होगा, कैश सेल्स भी आपका डेटर्स इफेक्टेड नहीं होगा। हाँ, कैश रिसीव्ड ऑन लेजर्स, बात समझे। हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। तो हम लोग क्रेडिट में पोस्टिंग करेंगे, क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट, राइट। और लिख देंगे रिसीव फ्रॉम लिख देंगे हम लोग क्या, डेटर्स। क्या लिख देंगे ब्रैकेट में, रिसीव फ्रॉम डेटर्स। तो आपका कितना हुआ, कैश रिसीव होना 2384 रुपया, तो 2384 रुपया, 2384, राइट। मतलब ब्रांच डेटर्स अकाउंट जिससे फैक्टर होगा उसी को लेके याद रखिएगा। तो आपका ये हो गया कैश रिसीव ऑन लेजर, स्टॉक नहीं होगा, 6 मंथ क्रेडिट सेल, तो हो जाएगा ब्रांच डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो ब्रांच डेटर्स अकाउंट डेबिट, तो डेबिट में पोस्टिंग होगा, और सब्सिडियरी कौन है आपका, सेल्स। यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, सेल्स अकाउंट, राइट। तो सेल्स कितना किया, देख लीजिए आपका 2387 रुपया, यहाँ पर लिख देंगे कितना हम लोग, 2387 रुपया, 2387, राइट, 2387। उसके बाद क्या, रिटर्न्स इनवर्ड, तो रिटर्न्स इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेटर्स अकाउंट, टू ब्रांच डेटर्स अकाउंट, तो क्रेडिट में पोस्टिंग होगा, और क्या लिखेंगे हम लोग आपका, रिटर्न्स इनवर्ड, क्या लिखेंगे हम लोग, रिटर्न्स इनवर्ड, राइट। हम लोग रिटर्न्स इनवर्ड लिखेंगे, कितना है आपका, 20 रुपया, कितना है, 20 रुपया। तो अकॉर्डिंग टू ट्रांजेक्शन ब्रांच डेटर्स अकाउंट में जो जो आपका पोस्टिंग था मैंने क्या किया, उसको डाल दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका टोटलिंग और बैलेंसिंग करके ब्रांच डेटर्स अकाउंट का क्या निकालेंगे, क्लोजिंग बैलेंस, राइट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेटर ले लेते हैं, और बीकॉम में कैलकुलेटर अलाउड है, आपको टेंशन लेना नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले टोटलिंग कर लेते हैं, सबसे पहले टोटलिंग करेंगे तो देख लीजिए यहाँ पर कितना हुआ, सबसे पहले 1227 रुपया, 1227, और फिर कितना, 2387 रुपया, ठीक है। तो हुआ कितना, 3614 रुपया हो गया जी, 3600 कितना हो गया आपका, 14 रुपया, यानी 3640 रुपीज, 3640 रुपीज। और इधर हम लोग क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस शीडी, अब घटा देते हैं 2384 रुपया को, लेस कर देते हैं, राइट, और फिर कितना कर दे हम लोग, 20 रुपया को, ठीक है। तो आपका कितना हुआ, 1210, कितना हो गया मेरा, 1210। तो जो 1210 आया, ये मेरा क्या हो गया, क्लोजिंग डेटर्स, क्या हो गया मेरा, क्लोजिंग डेटर्स, राइट। तो सबसे पहले हमने क्या किया, क्लोजिंग डेटर्स निकाल लिया। अब इसके बाद तुरंत हम बनाएंगे क्या, ब्रांच अकाउंट। अगर अभी तक मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करके ऑल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी मैं आपका कॉमर्स, फाइनेंस, अकाउंट्स, बिजनेस मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स रिलेटेड वीडियो अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, राइट। अब हम लोग
ब्रांच अकाउंट बनाएंगे राइट। सबसे पहले ब्रांच अकाउंट का फॉर्मेट देख लीजिए, इन द बुक्स ऑफ इलाहाबाद ग्रोसरी कंपनी हेड ऑफिस। जैसा कि आपको मैंने पहले बताया है कि जो ब्रांच अकाउंट है वो किसके बुक्स में बनता है, आपका हेड ऑफिस। इसलिए लिखता क्या है, इन द बुक्स ऑफ इलाहाबाद ग्रोसरी कंपनी हेड ऑफिस राइट। और कौन सा ब्रांच है आपका, ऑटो ब्रांच अकाउंट, तो ऑटो ब्रांच अकाउंट लिख दिए राइट। उसके बाद फॉर द ईयर एंडिंग, आपका साल का अंत का आप बना रहे हैं, तो 31 दिसंबर 2003 एज पर क्वेश्चन जो दिया हुआ है 31 दिसंबर 2003 राइट। उसके बाद चार कॉलम्स बना देंगे, पार्टिकुलर्स अमाउंट। लेफ्ट साइड को हम लोग क्या बोलेंगे, आपका डेबिट, और राइट साइड को हम लोग क्या बोलेंगे, क्रेडिट। तो इस तरह से फॉर्मेट बना देंगे। अब जो ब्रांच अकाउंट्स का फॉर्मेट है उसके अनुसार जो डेटा दिया हुआ है हम क्या करेंगे, फिट कर देंगे और ब्रांच अकाउंट्स का प्रॉफिट लॉस फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं, आपका ओपनिंग बैलेंस। तो लिखेंगे टू बैलेंस क्या लिखेंगे हम लोग, बीडी राइट। और टू बैलेंस बीडी में देख लीजिए, सबसे पहले क्या है मेरा स्टॉक। तो स्टॉक कितना देख लीजिए, 720 रुपया। तो स्टॉक मेरा हो गया 720, और मेरा डेटर्स कितने का है, और मेरा जो डेटर्स है वो डेटर्स कितने का है आपका, 1227 रुपया। तो कितना लिख देंगे हम लोग, 1227। इसको जोड़कर लोग बाहर करेंगे, फाइनली सब डेटा डाल देते हैं, उसके बाद इस सबको बाहर करेंगे ठीक है। तो आपका हो गया 720 और 1227 ठीक है। गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस, तो क्या लिखेंगे, टू गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच। तो गुड सप्लाई टू ब्रांच कितना है, एचओ ने बीओ को कितने का गुड्स भेजा है, 2178 रुपया। तो 2178 रुपया क्या किया मैंने, लिख दिया 2178 रुपीज राइट। उसके बाद क्या किया है, एचओ बीओ को क्या भेजा है, कैश भेजा है ब्रांच का, डिफरेंट एक्सपेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से है ना। उसके लिए तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, टू बैंक। अगर आप कैश में लिखेंगे तो काम चलेगा, लेकिन अब जो होता है ना बैंकिंग सिस्टम ज्यादा यूज होता है तो बैंक यूज करेंगे ठीक है। तो क्या लिखेंगे, टू बैंक। और देखिए किस किस चीज पे खर्च किया है, सबसे पहले रेंट टैक्सेस पे किया है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, रेंट और क्या लिखेंगे, टैक्सेस एटसेट्रा। और कितना आपका देख लीजिए, रेंट टैक्सेस पे कितना, 375 रुपया। तो कितना लिखेंगे, 375 रुपया राइट, 375 रुपीज। उसके बाद क्या, वेजेस एंड सन्ड्री एक्सपेंसेस। उसके बाद क्या है, वेजेस एंड सन्ड्री एक्सपेंसेस राइट। तो वेजेस एंड सन्ड्री एक्सपेंसेस कितना है आपका, 396 रुपया। यहाँ पर कितना लिख देंगे, 396 रुपया, और दोनों को जोड़ के फाइनली बाहर कर देंगे राइट। उसके बाद क्या हो गया आपका, यहाँ तक हो गया। उसके बाद आपका बैंक भेज रहा, अब देखिए क्या है आपका, कैश रिसीव्ड क्या है आपका कैश सेल्स। तो कैश सेल्स है तो पैसा क्या करेगा, ब्रांच एचओ को भेज देगा। तो क्या लिख देगा यहाँ पे, बाय बैंक। आप कैश लिख सकते हैं लेकिन बैंक लिखे ज्यादा अच्छा है ना, तो लिख देंगे क्या, कैश सेल्स राइट। तो कैश सेल्स कितना देख लीजिए, 1214 रुपया है ना, तो आपका लिख देंगे कितना, 1214 रुपया राइट। और उसके बाद क्या लिख लीजिए आपका, उसके बाद पैसा का, कैश रिसीव्ड ऑनली सर, ब्रांच डेटर से जो ब्रांच को पैसा मिला होगा किसको भेज देगा, एचओ को राइट। यहाँ पर क्या लिखेगा, फिर लिखेगा क्या, बाय बैंक लिखेगा, और ब्रैकेट में क्या लिख देगा पता है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांच डेटर्स। देखिए ये सब डिस्क्रिप्शन लिखिएगा ना तो आपको एग्जामिनेशन में मार्क्स क्या होगा, ज्यादा मिलेगा। तो आपको कितना मिल गया देख लीजिए, कहाँ गया आपका, ये आपका कैश रिसीव, हाँ 2384 रुपया ठीक है, 2384। और ध्यान से समझ लीजिए, जो आपका ब्रांच के पास से दो ही तरीका से पैसा आएगा, या तो कैश सेल्स करेगा, दूसरा जो आपको उधार बेचेगा उससे क्या होगा, पैसा आएगा तो एचओ को क्या करेगा, सेंड कर देगा। तो ब्रांच के पास दो ही तरीका से पैसा आता है, कैश सेल्स करने पे, और उधार जो बेचा उसके बाद जो ब्रांच डेटर से पैसा रिसीव करेगा वो वाला ठीक है जी। तो ये तो हो गया। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे, बाय बैलेंस सीडी कर देंगे राइट। और एक का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था, क्या है आपका, स्टॉक।
क्या है आपका स्टॉक राइट। स्टॉक देख लीजिए कितना है आपका 1121 रुपया राइट, 1121 रुपया। और अभी तुरंत मैंने क्या किया था, क्लोजिंग डेटर्स निकाला था। अभी मैंने क्या किया था, क्लोजिंग डेटर्स निकाला था, मैंने यहाँ पे लिख लिया राइट। तो कितना क्लोजिंग डेटर्स मैंने निकाला था, 1210, क्योंकि क्लोजिंग डेटर्स इस क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं था। नहीं दिया रहेगा तो आपको पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम लोग, डेटर्स अकाउंट, और कितना निकाले थे, 1210 रुपया राइट, 1210 रुपया। इस तरह से क्या किया, जो भी इन्फॉर्मेशन था मैंने क्या किया, फिट कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, बैलेंसिंग और टोटलिंग बैलेंसिंग करके पता करेंगे कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस। ठीक है, हम लोग फिर से कैलकुलेटर का सहारा लेंगे और देखो मैं कैलकुलेटर क्या है आपका अलाउड है, टेंशन लेने का नहीं राइट। देखिए ये गिरने वाला है, चलिए सबसे पहले कितना है, 720 रुपया राइट, फिर 1227, तो 720 1227 हो गया कितना, 1947 रुपया। कितना हो गया, 1947 रुपया। ये तो आपका बाहर, इसको भी बाहर करना पड़ेगा, 375 और 396। तो कितना हो गया, 771 राइट। उसके बाद इधर तो सब बाहर, इसको बाहर कर देते हैं, 1121 रुपया, 1121 और 1200 कितना है, 1210। तो हो गया कितना, 2331 राइट। तो मैंने क्या किया, इसको बाहर कर दिया, ये बाहर हो गया, ये सब बाहर हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। सबसे पहले हम लोग जोड़ के देखते हैं क्रेडिट साइड वाला, तो 1214 रुपया, 1214 रुपया हो गया, फिर हो गया कितना, 2384 रुपया राइट, और फिर कितना हो गया आपका, 2331 रुपया। टोटल हो गया कितना, 5929। कितना हो गया मेरा, 5929 राइट। अभी सबको लेस करते हैं, 1947 रुपया राइट, फिर कितना हो गया, 2178 रुपया राइट, फिर कितना हो गया, 771 राइट। तो आपका कितना आया, 1033 रुपया। कितना है, 1033। तो जब क्रेडिट साइड का अमाउंट ज्यादा डेबिट साइड के अमाउंट से कम तो आपका क्या आएगा, प्रॉफिट, और डेबिट साइड का अमाउंट ज्यादा क्रेडिट साइड के अमाउंट से इधर बैलेंस आएगा तो क्या होगा, लॉस। हम लोग क्या करेंगे, टू प्रॉफिट, प्रॉफिट ट्रांसफर, ट्रांसफर टू क्या लिखेंगे, जनरल पीएल अकाउंट, जनरल पीएल अकाउंट, यानी जो प्रॉफिट आया ब्रांच का, ये जो आपका फाइनली जो जनरल पीएल अकाउंट होता है उसमें ट्रांसफर हो जाता है। कितना, 1033 रुपया, 1033 रुपया राइट। इस तरह से आपका जो था ब्रांच अकाउंट बनके क्या हो गया, रेडी हो गया। आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, हमें मान के चलते आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसके आने वाले वीडियोस में ब्रांच अकाउंट्स का क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9, उसके बाद डिपार्टमेंटल, मतलब जितने भी आपका क्लास 11, 12 बीकॉम से रिलेटेड जितने भी अकाउंटेंसी है या जो भी आपका आपका ऑनर्स पेपर है, ऑडिटिंग वगैरह, वो सभी का आपका वीडियोस अपलोड किया जाएगा। आज का वीडियो यही एंड करते हैं, थैंक यू।